सागर जिले के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए नवाचार करते हुए ओपन स्टडी सेंटर की शुरुआत की गई है। यहाँ पर छात्र छात्राएं हरे भरे पेड़ों के बीच खुली हवा में लेते हुए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चाहे तो यहीं पर भी लंच कर सकते हैं या चाय पर चर्चा भी हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर पहले एक पार्क तैयार किया गया, फिर उसमें कुछ छोटे छोटे टीन शेड लगाए गए। इन्हीं में बैठने और सामान रखने की व्यवस्था की गई। कुछ बेंच खुले में लगाई तो वहीं बीच में सर्किल में पढ़ाई करने के हिसाब से बड़ा टीन शेड लगाया गया और इसके शुरुआती रुझान भी अच्छे सामने आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित 72 साल पुरानी लाइब्रेरी के बाहर इसे तैयार किया गया और अब आगे ओपन स्टडी क्लासरूम भी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। छात्रा अमीषा मेहरा ने बताया कि कभी बारिश होती तो कहीं पर खड़े होने की तक की जगह नहीं थी। लाइब्रेरी में पढ़ने की इच्छा नहीं है तो यहाँ पर आ सकते हैं, यह हम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसको लेकर प्रोफेसर राकेश सोनी ने बताया कि लाइब्रेरी के अंदर बच्चों को बात करने की परमिशन नहीं होती और अगर बच्चा लाइब्रेरी के बाहर किसी पेड़ों के नीचे या खुली हवा में बैठकर पढ़ना चाहता है तो यह उसके लिए काफ़ी मुफीद रहता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसे डेवलप किया जा रहा है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा था कि हमारा विश्वविद्यालय प्रकृति से भरपूर है और छात्र छात्राएं चाहती हैं कि वह पेड़ के नीचे बैठकर पढ़े लिखें, खाना खाएं, डिस्कशन करें। उसी के हिसाब से इसे बनाया गया है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने बताया कि जब बच्चे लाइब्रेरी में या क्लासरूम में बैठे होते हैं तो उन्हें लगता है कि हम किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम खुले वातावरण में उनको ऐसी सुविधा देते हैं तो छात्र छात्राओं को ऐसा लगता है कि जैसे वह खेल कूद के मैदान में हो। कुछ समय पहले हमने यहाँ प्रयास शुरू किया है, वही अब लाइब्रेरी की एक्सटेंशन बिल्डिंग बन रही है जहाँ उसके सामने ओपन क्लासरूम भी तैयार करवा रहे हैं जहाँ पर टीचर आकर पढ़ा सकते हैं। सर, ये अगर बात किया जाए क्लोज स्टडी सर्कल के कंपेरिजन में तो सर बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हैं और कोई चीज़ अगर डिस्कशन करना है तो हम अंदर डिस्कशन नहीं कर सकते। हम पढ़ने के बाद अपने टॉपिक यहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हमें हम दूसरे बच्चों से कंपेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, जिससे हमें बहुत लाभ होता है। अमीषा मेहरा है, BA फोर्थ सेम स्टूडेंट हूँ मैं। इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। इधर हम लोग को पहले लंच करने के लिए इधर जगह नहीं थी, बारिश आ रही इसमें प्रॉब्लम होती थी, इधर हम लोग लंच भी कर सकते हैं। और अगर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का मन नहीं होता कभी कभी अंदर, तो इधर बाहर बैठ के थोड़ा अपन अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और कर सकते हैं पढ़ाई वगैरह। हम लोगों ने ये कंसेप्ट लिया है कि बच्चों को यदि हम लाइब्रेरी में बिठाते हैं या डिपार्टमेंट में बिठाते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे हम किसी क्लासरूम में या विश्वविद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि हम खुले वातावरण में उनको एक ऐसी सुविधा देते हैं तो छात्र छात्राओं को ये लगता है कि हम लोग जैसे खेल कूद के माध्यम से ओपन एयर में बैठ के, और वातावरण बहुत अच्छा होता ही है खुले में। तो एक हमने कुछ महीनों पहले ये प्रयोग शुरू किया तो विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी के सामने ही हमने ये बनाया है, एक छोटा सा एक प्रयोग किया है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे छात्र छात्राएं उसमें फ्री टाइम में आके वहाँ बैठ जाते हैं, वहीं पर पढ़ते हैं, वहीं पर खाते पीते हैं, और इस तरह से एक हेल्दी एनवायरनमेंट जिसे कहना चाहिए वो वहाँ पर हम लोग ने इसके माध्यम से स्थापित किया है। जी, भविष्य में क्लासरूम का भी प्लान है तो किस तरह से? जी, क्लासरूम भी जब ये इतना सफल हुआ, मैंने देखा छात्र छात्राओं को यहाँ पर बैठे हुए, तो मेरे मन में यही विचार आया कि क्यों ना हम ये क्लासरूम की भी एक ऐसी सुविधा अपने छात्र छात्राओं को दें। तो हमारी लाइब्रेरी का एक एक्सटेंशन हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो इसी में मेरा एक ये प्रस्ताव है जो हम लोग करने जा रहे हैं कि लाइब्रेरी इस एक्सटेंशन में ही हम एक खुले दो क्लासरूम जैसे बना देंगे, तो कोई भी टीचर जब भी चाहे तो यहाँ पर आकर इस ओपन क्लासरूम में भी कक्षाएं ले सकता है। तो उसमें भी एज अ चेंज, मतलब जिससे कि छात्र छात्राओं को ये ना लगे कि हम कक्षा में बैठ के हम पठन पाठन कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसे खुले वातावरण में बैठेंगे जहाँ का, जैसे कहते हैं कि इकोसिस्टम शुड बी गुड, तो वो इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि इससे पढ़ने में भी उनकी रुचि और बढ़ेगी।